और इसी तरह छा जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कि छोटा सा काम करते हैं लेकिन इतनी सारी उनको फेम मिलती है, इतनी सारी उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, खासतौर पर वो लोग जो कि शॉर्ट फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स के पास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अगर वो अपने आप को शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट करना चाहते हैं कि वहां तक उनकी फिल्म पहुंचे। इफ यू रियली फील कि आप शॉर्ट फिल्म अच्छी बना सकते हैं, अच्छी बनाना जानते हैं और अगर नहीं बनाना चाहते तो आपको गाइडेंस चाहिए, देन वी हैव समबडी ऑन द लाइन विद अस जो कि आपको इस हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज शॉन अली विद अस और आपको हम ऑलरेडी फातिमा की वजह से इंट्रोड्यूस करवाई चुके हुए हैं लेकिन आज आप बात करेंगे शॉर्ट फिल्म के हवाले से। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं लाहौर के जितने भी लिसनर्स हैं मस्त एफएम 103 को और आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। वालेकुम अस्सलाम। देखें हम लोगों का एक बहुत जबरदस्त एक प्लान है जो कि हम लोग कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का नाम दिया है और इट्स टाइटल्ड बेसिकली सादा हक व्हिच मींस आर ओन थिंग्स। तो बेसिकली इसमें हमारे साथ जो ऑफिशियल सिलेक्टर हैं वो सईद नूर साहब हैं जो कि बच्चों के लिए इस कंपटीशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं। इस कंपटीशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऐसी खास नहीं है क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कंपटीशन के अंदर वो कहते हैं कि जी बहुत हाई फाई कैमराज इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको और आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं शॉर्ट फिल्म कंपटीशन की। हम लोग पूरे पाकिस्तान से ले रहे हैं लोगों को, फ्रॉम कराची, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम सकर, एनीवेयर इन पाकिस्तान यू आर यू कैन अप्लाई फॉर दिस कंपटीशन। कितनों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, कितनों को सिलेक्ट करेंगे, कोई आइडिया है? जी तकरीबन कितने लोग शॉर्टलिस्ट या सिलेक्ट हो पाएंगे? बेसिकली इसका क्राइटेरिया जो है वो ये ऐसा है कि हम लोग जितने भी लोग रजिस्टर करेंगे उसके अंदर से 15 स्टूडेंट्स को हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छा। जो उसका नॉर्मल प्रोसीजर है वो ऐसा कुछ है कि 15 लोग जो हैं दे विल बी सिलेक्टेड बाय सईद नूर साहब एंड देन इट विल बी देन गोइंग टू द फलस्तीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और वहाँ के जो सिलेक्टर हैं यूसुफ अलदीक साहब। अच्छा। उनके पास से फिर हम एक बच्चे को वो सिलेक्ट करेंगे जो कि नॉमिनेट होगा और नॉमिनेट होने के बाद वो शायद जीत भी सकता है। बेसिकली अवार्ड जो उनको मिलेगा एक तो वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिलेगा, फलस्तीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी अवार्डेड टू देम एज वेल एज दे विल बी गेटिंग अ चांस टू गो टू फलस्तीन एंड रिसीव द अवार्ड पर्सनली। वेरी नाइस। सो बेसिकली दिस इज द होल प्रोसीजर दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। अच्छा वेरी नाइस। शॉन मुझे ये बताया कि शॉर्ट फिल्म जो है इसकी ड्यूरेशन आपके नजदीक या इस कॉम्पिटिशन के क्राइटेरिया के नजदीक क्या होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली? बेसिकली हमारी क्राइटेरिया जो है वो 40 मिनट्स है। अच्छा। शॉर्ट फिल्म का और उसका टॉपिक जो है वो ह्यूमन राइट्स है। अच्छा ह्यूमन राइट्स। ठीक है। या बिकॉज कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और फलस्तीन के बीच में फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है। इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तानी सिनेमा एंड फलस्तीन सिनेमा आर्ट एसोसिएशन। ठीक है। सो वी वांटेड टू हैव अ सब्जेक्ट दैट लोगों को जिसमें इतनी मुश्किल ना हो। ह्यूमन राइट्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स करंटली जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस पर बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि कोई खास ऐसा आपके पास क्राइटेरिया अवेलेबल है या फिर ओपन टू ऑल है कि आपको कोई एकेडमिक बैकग्राउंड होना जरूरी तो नहीं है जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहें उनका? नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अमूमन तौर पे लोगों को ये बताया जाता है कि जी कंपटीशन है और आपको कम से कम बैचलर्स होना चाहिए और उसके लिए आपको ये होना चाहिए वो होना, ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। okay. और ना ही कोई एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा। आप इफ यू आर अ फिल्म मेकर, इफ यू आर अ वेरी यंग फिल्म मेकर इन व्हाटएवर काइंड ऑफ एज यू आर इन, यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर फिल्म, शॉर्ट फिल्म एंड सेंड इट टू अस, विच इज पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी। ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमारे साथ सईद नूर साहब की पैरागॉन अकेडमी है जो कि इसमें इन्वॉल्व है। तो यू कैन सिंपली जस्ट मेक अ शॉर्ट फिल्म 40 मिनट्स, सेंड इट टू अस एंड डोंट नो मे बी यू माइट गेट सिलेक्टेड। अच्छा अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स बताइए और ये बताइए कि इसकी डेडलाइन क्या है।
बेसिकली अभी इसकी जो डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन तो अभी ओपन है. अच्छा. बट द लास्ट डे फॉर सेंडिंग योर फिल्म इन इज द 20th of Jan 2012. कॉन्टेक्ट करने के लिए आप फीफा के ऑफिस कॉल कर सकते हैं. अच्छा. उनका एक जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो 0331-794-5346 है. ठीक है. मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ 0331-794-5346. ठीक है. और साथ ही साथ अगर आपको फेसबुक पे ढूंढना है इस पेज को तो आप लोग www.facebook.com/PIFA Pakistan PIFA PAKISTAN. ठीक है. फीफा पाकिस्तान PIFA PAKISTAN. ठीक है. फीफा पाकिस्तान इज द पेज नेम दैट इज. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें मनी किस हद तक इन्वॉल्व है. क्या जो लोग अपना जो एक्सपेंस सिर्फ कर रहे होंगे फिल्म मेकिंग का वही उनके लिए होगा या उनके उस रजिस्ट्रेशन के बाद भी उनको कहीं ना कहीं पे पैसे देना पड़ेंगे? बिकॉज दिस इज समथिंग जो स्टूडेंट्स लेवल में बहुत कंसिडर किया जाता है. नहीं, नॉट एट ऑल. देखें, बिकॉज के आई हैव बीन वर्किंग फॉर मेकिंग द यंग फिल्म मेकर्स टू गो अहेड और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से जैसे मैंने अपनी जिंदगी में अवार्ड लिए हैं इंटरनेशनली बीइंग एन इंटरनेशनल पर्सन, मैं चाहता हूँ कि लोकल जो हमारे यंग फिल्म मेकर्स हैं उनके रेज्यूमे पर एक अच्छी सी चीज हो. तो एक्सेप्ट फ्रॉम देयर ओन एक्सपेंस फॉर मेकिंग द फिल्म देयर इज नो अदर एक्सपेंस इन्वॉल्व. लास्ट इनफैक्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि सैयद नूर साहब आजकल इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, तो फॉर द टाइम बीइंग उनको सब्स्टिट्यूट कौन कर रहे हैं? Basically that's a very sad news that we had. Apparently maine unse jab interview liya is cheez ke bare mein, next day he had been admitted to the hospital. Mm-hmm. We all are praying for him and we hope ki he recovers very fast. In the meantime, of course, because there are only two selectors from the entire Pakistan who have been selected to select the films, which is me and Sayed Noor Saab. So of course, all the responsibility is on my shoulders now. So I will be the person who will be taking care of this. Last question, ke Fatima, the film, jisme Fatima Jinnah ko as a contemporary leader show kiya gaya, ye aapki short film hai. Is hawale se mujhe bataiye ki 12th of January ko ye release ho rahi hai. जी, 12th of January को हम इसको कहाँ कहाँ देख पाएंगे? बेसिकली हमारी कोशिश अभी ये है कि वी हैव फिक्स्ड द डेट फॉर द 20th of January फॉर फातिमा. अच्छा. बट अभी ऐसा कुछ हुआ है कि वी हैव काइंड ऑफ स्लाइट मेड अ लिटिल चेंजेस इनटू द फिल्म. ओके. बिकॉज के आपकी तो वी डोंट वांट द पब्लिक टू हैव you know, such it could be, I mean, if you talk about a subject like Fatima Jinnah, bahut sare log kehte hain ki ji bada interesting hoga, bahut sare log kehte hain ji boring hoga. So we don't want to make it too boring. Theek hai. And we don't want to make it too you know, entertaining as on the other side. Theek hai. So what we've done is we've changed the climax of the film now. Okay. So humne thodi zero modifications ki hain film ke andar. Well, and so of course inshallah we are trying to release it on the 20th of Jan. All right. And let's see how it comes out. All the very best to you and thank you so much, Sean Ali, for being a part of the show and letting people know that how can they participate in the International Film Fair Festival at Palestine. Thank you so much. Take thank a lot of care. Thank you so much. That was Sean Ali.